रुकिए, देखिए अगर तकलीफ ज्यादा है तो थोड़ी देर में चले जाएंगे। कंधे झुके से जाना भी। शिवा न्याय थी लापरवाह लड़का है। जिस दिन ये सब कुछ हुआ था मैंने उसको कहा भी था कैंप से राबता ना करे। वॉइस नोट भेजने की क्या जरूरत थी? बीवियों को चाहिए कि ऐसे बेवकूफ मर्दों को अकेले ही ना छोड़े। क्या करें, इन्होंने सोग भी तो मनाना था। क्या देख रही हो, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि तुम अपने मियां के प्रेस्टीज का ख्याल रखो? मम। क्या मम? क्या? अरे अपना रोना धोना छोड़ो, तुम्हारी ही जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने शोहर की इज्जत बचा के रखो। अच्छी खानदानी लड़की लेके आए हम, है ना? ये हाल है हमारा। सारे खानदान की लड़कियां मर रही थी मेरे बेटे से शादी करने के लिए, लेकिन मेरे शौहर को तुम्हारी बेटी के अलावा कोई नजर ही नहीं आया। मैं समझा दूंगा भाभी, आइंदा ख्याल रखेगी। बीवियां अगर खुद से ज्यादा प्यार करने लगें और खुद की ज्यादा इज्जत करने लगें तो बहुत नुकसान होता है। इसे अपनी अदाएं छोड़नी होंगी सलाउद्दीन। बच्ची है तो उसे टाइम लेगी। कहाँ है वो? सो रहे हैं। देख लें, हाल ये पहाड़ टूट गया है, मुसीबत आ गई हमारे सर पे, लेकिन इनके शोहर सो रहे हैं। मैंने क्या किया? बीबी यही तो मुसीबत है, तुमने किया ही क्या है? अरे इतना कुछ हो रहा है, तुम्हारा शोहर सो रहा है, जाओ जगाओ उसे, होश दिलवाओ। बस तुम तो हमारी बेबसी का तमाशा ही देख रही हो और हम तुम्हारा घर बसाने के लिए ना सर पे पहाड़ उठाए फिर रहे हैं। जाओ आप जाओ, क्यों नहीं जा रही? जी मैं जगाती हूँ। फैमिली की किसी और लड़की को बिहा के लाती तो एहसानमंद तो रहती, किसी को हिनोर की तरह छुपा छुपा के रखती वो हमारे शहरोज को। हाँ तो इसने कोशिश कोई कम तो नहीं की? तो तुम दोनों की लड़ाई खत्म नहीं होती, ये मसला तो हल कर दो।